beautiful innings it's been. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. पाकिस्तान टीम ने आज बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है और इस मैच को जीतने पर पूरी पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद देते हैं और पूरी कौम आज बहुत खुश है, जैसे कि पाकिस्तानी टीम खुश होगी क्योंकि हमारी टीम ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है. वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे बड़ा चेंज आज हुआ है 48 ईयर्स की हिस्ट्री में जो वर्ल्ड कप की है, तो इस बात पर भी पूरी सारी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुबारक हो. इसमें जो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की है, गो के लोगों को नज़र आ रहा होगा 344 रन्स खाए हैं, लेकिन अगर आप यकीन करें कि जिस तरह की विकेट थी और जिस तरह हमारे रूल्स हैं आजकल के, दो नए बॉल और 5 फील्डर अंदर, फ्लैट विकेट, बहुत मुश्किल हो जाता है बॉलर्स के लिए भी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है. इसी तरह जब 345 रन चेस कर रहे हों तो बैट्समैनों के लिए भी बड़ा टफ़ होता है, और जिस तरह हमारे बैटर्स ने तहम्मुल के साथ और पेशेंस के साथ अपनी इनिंग को लेके गए हैं, जब हमारे जल्दी दो आउट हो गए, बाबर आजम और इमामुल हक दोनों टॉप 10 में वनडे की रैंकिंग में, उसके बावजूद हमारे जो नया अब्दुल्ला शफीक आया है जो कि फ़खर जमान की जगह आया, उसने ज़बरदस्त इनिंग खेली. एक यंगस्टर की तरफ से जब ऐसी इनिंग आती है तो पीछे जो जितने भी प्लेयर होते हैं उनको बड़ा बूस्ट मिलता है, और वही हुआ. रजवान हमारा सीजन प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, नंबर 4 पे जब आया उसने भी आके इसी ज़बरदस्त इनिंग खेली है कि मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप में रन चेस करते हुए ये बहुत बड़ी इनिंग थी रजवान की, और मैं रजवान को मुबारकबाद देता हूँ जिस तरह की उसने इनिंग खेली है. अगर देखा जाए तो जो मुझे जो लगता है श्रीलंका की तरफ से जो मिस्टेक हुई है वो दो थी. एक तो जो मेंडेस था वो इतनी ज़बरदस्त इनिंग खेल रहा था कि ऐसे लग रहा था एक टाइम पे कि ये 400 से ऊपर रन्स बना देंगे, लेकिन एक लूज शॉट वो समझे कि शायद जितना उन्होंने कर दिया है, जो इस टाइम जहाँ पहुँच गए थे वो समझते कि बहुत ज़्यादा स्कोर है, लेकिन आजकल की क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में जितने भी रन्स कर लें कम है, क्योंकि ये चेज हो सकते हैं, आजकल चेजेबल हैं, आजकल जिस तरह की क्रिकेट हो रही है 400-450 रन्स बन रहे हैं. और दूसरा श्रीलंका की तरफ से जो वीक लिंक साबित हुआ पथरीना, जिन्होंने 9 ओवर्स में 90 रन दिए, और मेरा ख्याल है कि वो अपने रिदम में नहीं है, ये बॉलर्स बॉलिंग कोच बेहतर बता सकते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो रिदम में नज़र नहीं आ रहे. वाइड बॉल्स की हैं जिसपे 5 रन बने हैं और साइडों पे बॉलिंग की, एक जगह पे बॉलिंग नहीं की, उनको मेरा ख्याल है कि कैप्टन के लिए भी बड़ी मुश्किल हुई क्योंकि उन पर डिपेंड कर रही होती है टीम, लेकिन उनसे बॉलिंग नहीं हुई. इसके बाद सदीरा ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, उसने जो 108 रन बनाए हैं उसकी भी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी, वो भी आखिर तक गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ी टाइट बॉलिंग की, आखिरी ओवर्स में 10 ओवर में 60 रन दिए हैं, उससे पहले वाले जो सर्कल के 10 ओवर थे उसमें भी उन्होंने कुछ ज़्यादा रन नहीं दिए, जहाँ उन्होंने उसकी भी विकेट ली मेंडेस की. तो बॉलर्स की तरफ से मैं समझता हूँ कि अगर हम थोड़ा सा उनको एज दें जो रूल्स हैं और जो विकेट है, तो मेरा ख्याल उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है फ्लैट विकेट पे. ओवरऑल देखा जाए तो पूरी टीम ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है. जो लड़के स्कोर नहीं कर रहे, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में इंडिया के ख़िलाफ़ हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जिस तरह पाकिस्तान टीम ने ये मैच जीता है इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारे लड़के अगले मैच में अच्छा परफॉर्म करें ताकि इंडिया को हम बीट कर सकें. फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया को बीट करे, ये भी रिकॉर्ड टूट जाए, और पाकिस्तान टीम जो है ये वर्ल्ड कप जीत के आए. इंशाल्लाह हम सबकी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, इंशाल्लाह अगले मैच में दोबारा मुलाकात होगी.